कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। हम उनके साथ हैं और जब कभी कोई बात होगी तो हम बात कर लेंगे, हम उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश से तो बेहतर ही है, जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एक ही पार्टी की दो सरकारें। इस तरह का सवाल मुझे पता है, कुछ सवाल ऐसे खड़े हुए थे और मैं समझता हूं वो सवाल न्यायालय में भी जाएंगे, उनका जवाब सरकार देगी। मैं ये खासकर वेस्ट बंगाल का, मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहां के बहुत ही वरिष्ठ कई वर्ष मंत्री रहने वाले जो पूरी जमीनी जानकारी रखते हैं आदरणीय किरणानंदा जी पे छोड़ता हूं, उनका सुझाव मैं समय समय पर लूंगा। और दूसरे प्रदेशों में जहां पार्टी का संगठन है वहां समाजवादी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, न केवल प्रदेश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दो दो बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़कर के देखें, तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहां बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो सबके पैर जोड़ने लगती है, जिनको अपमानित किया। आप बताइए, नेताजी के समय पर उनको फ्री बिजली मिलती थी, फ्री बिजली बुनकरों को, और बीजेपी ने इसलिए बिजली छीन ली कि ये मुस्लिम है, बुनकर है, इसलिए बिजली छीन ली।